दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं जल्दी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है जिसके लिए 8 तारीख को BCCI ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा तो BCCI ने ये करी कि भारतीय महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को बतौर मेंटोर बनाकर T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के साथ जोड़ेंगे। इस खबर को सुनने के बाद तो पूरे भारत देश में खुशियों की लहर आ गई है और इसी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कई क्रिकेट दिग्गजों ने भी इस खबर पर आने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको पाकिस्तानियों के बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में से कौन बेहतरीन टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है जिसके लिए भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भारतीय टीम की स्क्वाड की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम देखकर सभी भारतीय प्रशंसक काफी ज्यादा खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी करने वाली बात तो यह है कि भारत के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटोर T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इस खबर को सुनने के बाद तो पूरे भारत देश में खुशियों की लहर आ गई है, जहां भारत के क्रिकेट प्रशंसकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वहीं पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी भी यह खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा अचंभे में आ गए हैं और उन्होंने यह खबर सुनने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को खूब बधाइयां दी हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको क्या कहा पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने। बता दें सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने अपने बयान में कहा कि भारत के क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से भारतीय टीम की घोषणा करी है उसे देखकर तो जाहिर है कि पूरे भारत देश में काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन इस खुशी को भी दुगना कर देने वाली बात तो ये रही जब BCCI ने यह घोषणा कर दी कि भारत का सबसे महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटर भारतीय टीम के लिए जुड़ेगा। वो महेंद्र सिंह धोनी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इस नई शुरुआत के लिए वो उम्मीद करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटर पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाएं। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर महेंद्र सिंह धोनी को ढेर सारी बधाइयां देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे, बेशक बतौर खिलाड़ी नहीं लेकिन बतौर मेंटर। अब तो भारतीय टीम और भी ज्यादा घातक हो जाएगी क्योंकि भारत का भूखा शेर एक बार फिर भारत के साथ जुड़ चुका है। वो अपने 2019 के जख्मों को 2021 की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भरेगा। अब तो बल्कि पाकिस्तानी की टीम को चेतावनी देना चाहेंगे कि अब वो और भी ज्यादा तैयारी कर ले भारतीय टीम के बढ़ने के लिए, क्योंकि भारतीय टीम को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने इस खबर पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के कोच इस्तीफा दे रहे हैं वहीं भारत में नए कोच को तैयार करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत पाकिस्तान से कितनी ज्यादा आगे है और कितना बेहतर है। उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तानी टीम भारत को T20 वर्ल्ड कप में टक्कर दे भी सकती है, क्योंकि जहां भारतीय टीम इतनी घातक दिख रही है वहीं पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से लाचार दिख रही है। दोस्तों पाकिस्तानियों के बयान सुनने के बाद सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटर भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिता सकेंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।